यहाँ पे ही होता है कैनवास लाफ क्लब का शो। ये देखिए ये रहा CLC बुक माई शो और ये रहा कैनवास लाफ क्लब मेरे पीछे। मैं वहीं खड़ा हूँ और क्यों ना उसका एक कुछ अंदर का लुक लिया जाएगा। देखिए बहुत सही है अंदर से। तो मैं अपने पीजी से बाहर आ गया हूँ और अब शुरू होती है मेरी जिंदगी की असली भाग दौड़। यहाँ पे ऑटो पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो लेट्स सी, एक ऑटो वाले भैया खड़े तो हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। मुझे तो शेयरिंग में जाना है वैसे। भैया आप यहाँ से जाने का क्या लोगे? 10 रुपए दे दो। देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है मैं ऑटो पकड़ता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो फाइनली अब मैं बाहर आ गया हूँ यार अपनी सोसाइटी से और अब मैं देख रहा हूँ ऑटो के लिए। अरे वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक ऑटो आ गया। ऑटो देखो क्या किस्मत है भाई। देख रहे हो ऑटो आया और निकल गया, रोका भी नहीं अंकल ने। शायद कैमरा देख के नहीं रोक रहे, तो मैंने कैमरा बंद कर लेता हूँ अभी। तो करना। और कैमरा बंद करने से पहले मैं बता दूं भाई बहुत ज्यादा गर्मी है तो हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो और अभी अपन बन जाते हैं हीरो। मुझे हीरो बन जाने दे। गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है तो अभी मेरे साथ ही अंकल बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूँ कि गर्मी अब की बार ज्यादा पड़ी है या हर बार इतनी पड़ती है। पहली बार हो रही है तो इसके लिए कोई इलाज, कोई बारिश वारिश की कोई बारिश की कोई संभावना नहीं है अभी तक तो? अरे कोई संभावना नहीं है, डेली मौसम बनता है, बस बारिश नहीं होती। अच्छा तो रुकिए मैं ड्राइवर साहब से ही पूछ लेता हूँ, इनसे पूछ लेते हैं, वो ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका उन पे क्या असर पड़ रहा है, ग्राहकों का क्या असर है, ग्राहक है कितने और कितने नहीं है। अच्छा दिन में नहीं मिलते हैं, चार बजे के बाद मिलते हैं ग्राहक। अच्छा चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर। और ये ऑटो वाले भैया पेटीएम भी लेते हैं, ठीक है 1000 रुपये कैशबैक है यहाँ पे पेटीएम, तो इनमें पेटीएम ही कर देंगे हम। ठीक है भैया KYC नहीं है आपके बैग? चलो कोई नहीं हम कैश दे देंगे सर, कैश दे देंगे भैया को। सो फाइनली आई एम ऑन परी चौक और इसे परी चौक इसलिए कहते हैं कि यहाँ परियां बनी हुई है। तो फिर से मेरी खोज शुरू हो चुकी है, अब की बार खोजूंगा मैं बस। और एक एसी वाली बस चलती है यहाँ पे जो मैं नहीं लूंगा, पैसे ज्यादा लेती है। एक येलो कलर की बस थी जो अभी उन्होंने चेंज कर दी है। अब पसीना तो बहुत बुरी तरह से टपक रहा है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। इन भाई साहब का पता नहीं क्या हुआ होगा। फुर्सत में भूसड़ी के निकल। तो यार अब मैं बस में बैठ गया हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा अपने आप को सेटल डाउन करने में गर्मी से। और मैं नीचे जाता हूँ पानी की बॉटल लेने, घर पे भूल चुका हूँ। सो मैं पहुंच गया हूँ नोएडा में और जैसे मैंने बोला था कि बोटानिकल गार्डन जाऊंगा, लेकिन अंकित ने मुझे धोखा दे दिया और उसने मुझे बुला लिया है सेक्टर 18। तो मैं फाइनली DLF आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है पीछे सिक्योरिटी गार्ड भैया मुझे डांटने वाले हैं। वो देखो वो आ रहे हैं, छोड़ो डांटने दे। ठीक है भैया बैग में फोल्ड करके रख लीजिए। ठीक है। तो अब मैं DLF के अंदर आ चुका हूँ और मुझसे अंकित ने बोला था कि वो ज़रा आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़रा आ रहा है। आ गया। और हम खड़े हैं अभी स्कॉच एंड लोड़ा के पास। ओह सॉरी स्कॉच एंड हाय। तो मैं अंदर तो घुस ही चुका हूँ DLF के अंदर और अभी मुझे अंकित ने बताया जो मेरे साथ ही है नाच रहा है अभी कि यहाँ पे ही होता है कैनवास लाफ क्लब का शो। ये देखिए ये रहा CLC बुक माई शो और ये रहा कैनवास लाफ क्लब मेरे पीछे। मैं वहीं खड़ा हूँ और क्यों ना उसका एक कुछ अंदर का लुक लिया जाएगा। देखिए बहुत सही है अंदर से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी वॉल पे फोटोज लगा रखी कैनवास लाफ क्लब।
था हमारा डीएलएफ जाने का, जहाँ से हमने सिक्योरिटी गार्ड ने भगा दिया, तो ब्लॉगिंग तो वहाँ पे हो नहीं पाई। तो हम आए हीरालाल स्वीट्स और यहाँ पे हमारा बर्थडे बॉय तो अब हमने ऑर्डर करा है डीलक्स थाली, जो थोड़ी देर में आने वाली है, फिर मैं आपको उसी फुटेज दिखाऊंगा जब तक हम केक खाते हैं। भाई वाला प्यार, भाई वाला प्यार। तो निकेत भाई का बर्थडे अच्छे से मनाया और हम हीरालाल स्वीट से निकल चुके हैं। तो कैसा लगा भाई? एकदम सही भाई। हमारे अपना सरप्राइज कैसा लगा तुझे? एकदम सही। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। ओके भाई, साथ में चल रहा हूँ मैं। ओ सॉरी। ठीक है भाई, भाई 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 भाई।